हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाइफ इज फिल्मी। ये रामसेस के टीवी शो द जी हॉरर शो की सीरीज का वीडियो है। आज हम बात करेंगे इस शो की कहानी खतरा की। इस कहानी के 5 एपिसोड हैं। पहले एपिसोड के शुरू में एक कब्रिस्तान में राणा एक कब्र खोद रहा है। वो उस कब्र की लाश निकाल के डॉक्टर जॉन की कार में रख देता है। घर पहुंचने पर राणा लाश को अंदर ले जाता है और डॉक्टर घर में जाता है जहां उनकी बेटी खाने पर उनका इंतजार कर रही है। लेकिन वो राणा के इशारा करने पर अपनी लैब में चले जाते हैं। सुबह लोगों को पता चलता है कि लाश गायब हो गई है। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। रिपोर्टर शालिनी भी वहां आती है जो डॉक्टर विनोद की लवर है। पुलिस डॉक्टर जॉन से भी पूछताछ के लिए आती है क्योंकि उन्होंने ही विलियम का ऑपरेशन किया है। जॉन विनोद को अपना एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए रात को अपने घर इनवाइट करते हैं। विनोद के घर पहुंचने पर ऑड्री दरवाजा खोलती है। वो विनोद को चाहती है लेकिन विनोद उस पर ध्यान नहीं देता। स्केलेटन बनने से पहले एक मुर्दा जिस्म को दोबारा जिंदगी दी जा सकती है। मौत इंसान के जिस्म की हरकतों को बंद कर देती है लेकिन दिमाग पर काबू नहीं कर सकती। मैंने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया है जिससे मुर्दा जिस्मों में भी जान डाली जा सकती है। दूसरे एपिसोड के शुरू में जॉन विनोद को एक मरा हुआ बंदर दिखाते हैं और उसे इंजेक्शन लगा के जिंदा कर देते हैं। जॉन बोलते हैं कि आज मैंने इसे थोड़ी देर की जिंदगी दी है, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे इंजेक्शन से एक मरे हुए इंसान को लंबी जिंदगी मिल जाएगी। विनोद कहता है कि इंसान को जिंदगी देने का हक सिर्फ भगवान का है। जॉन विलियम की लाश को जिंदा करने के लिए इंजेक्शन लगाता है और इलेक्ट्रिक शॉक देता है। लाश जाग जाती है लेकिन उसका बिहेवियर और आवाज डरावना है। वो तोड़फोड़ करने लगता है और जॉन पर हमला कर देता है। राणा उसे बचाता है। लाश के वायलेंट होने की वजह से जॉन उसे एक दूसरा इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो दोबारा मर जाता है। ऑड्री विनोद के घर आती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। विनोद कहता है कि वो शालिनी को चाहता है। रात में फिर एक बार राणा एक कब्र में से लाश निकालता है। शालिनी ये सब देख रही होती है। वो कार की डिक्की में छुपके जॉन के घर तक पहुंच जाती है। राणा लाश को लैब में ले जाता है। शालिनी उसके पीछे लैब में पहुंच जाती है और वहां पड़ी लाशों को देखती है। पीछे से एक हाथ उसकी तरफ आता है। यहां दूसरा एपिसोड खत्म होता है। इस कहानी की कास्ट में रोहन कपूर, नेहा ग्रेवाल, सुब्बीराज कक्कड़, रश्मि शर्मा और राजकुमार चंदन हैं। तीसरे एपिसोड के शुरू में शालिनी के पीछे राणा खड़ा होता है। राणा को देखते ही वो भागती है। राणा उसका पीछा करता है लेकिन वो वहां से भाग जाती है और विनोद के पास पहुंचकर उसे सब बताती है। वो विनोद को वहां लाती है और लाशें दिखाती है। जॉन मानता है कि वही लाशें निकालता है लेकिन उसने साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा किया। विनोद कहता है कि आज के बाद अगर कोई लाश गायब हुई तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा। ऑड्री शालिनी के घर पहुंचकर उसे धमकाती है कि वो उस विनोद की जिंदगी से निकल जाए। वो नहीं मानती तो वो उसका गला घोटने लगती है। तभी विनोद आके शालिनी को बचाता है। ऑड्री गुस्से में वहां से निकल जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जॉन उससे हॉस्पिटल में देखने आता है लेकिन वो मर चुकी होती है। सबको बहुत दुख होता है। पापा, नहीं रोको पापा, ये लोग मुझे दफना रहे हैं पापा। इसे मत दफन करो, इसकी मरी नहीं है, इसकी सिर्फ सांसें रुक गई है। इसे मेरे हवाले कर दो, इसे मैं ले लूंगा। प्लीज पापा, मुझे कर ले। चौथे एपिसोड के शुरू में जॉन को नींद में ऑड्री की आवाज आती है। वो चौंक के उठता है। वो राणा के साथ जाके ऑड्री की लाश ले आता है। सुबह पुलिस आती है तो उन्हें एक इनहेलर मिलता है। इंस्पेक्टर जॉन के घर जाता है। पूछताछ करते हुए जॉन घबरा जाता है। इंस्पेक्टर उन्हें इनहेलर देता है जिसे जॉन यूज कर लेता है। इससे इंस्पेक्टर समझ जाता है कि लाश निकालने का काम जॉन का ही है। वो वहां की तलाशी लेता है तो उसे लैब में लाशें मिलती है। तभी राणा उसे पकड़ लेता है। वो इंस्पेक्टर का मुंह तेजाब में डाल देता है जिससे वो मर जाता है। जॉन ऑड्री को जिंदा करने की कोशिश करता है।
वो जिंदा हो जाती है, लेकिन उसका रूप बहुत डरावना है। जॉन ऑड्री की जिंदा लाश से कहता है कि वो पहचानने की कोशिश करे, लेकिन वो जॉन पर हमला कर देती है। वो अपने आप को छुड़ाता है, वो उसे बोलता रहता है कि वो उसे पहचाने, लेकिन ऑड्री की जिंदा लाश जॉन का गला पकड़ लेती है। यहां चौथा एपिसोड खत्म होता है। ये कहानी खतरा रामसेज ने 1981 में आई अपनी ही फिल्म दहशत से ली है। दहशत फिल्म में डॉक्टर इंसान को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन इस कहानी में डॉक्टर मरने के बाद इंसान को जिंदा करने के लिए एक्सपेरिमेंट करता है। पांचवें एपिसोड के शुरू में शालिनी विनोद को बताती है कि ऑड्री की लाश गायब हो गई है। वो समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर जॉन का ही काम है। जब वो जॉन के पास पहुंचते हैं तो वो मरा हुआ मिलता है। राणा बताता है कि ऑड्री ने उन्हें मारा है और वो सबके लिए एक खतरा बन गई है। विनोद डॉक्टर की रिसर्च और डायरी दिखता है। शालिनी को अपने घर के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो बाहर की तरफ देखती है तो अचानक से ऑड्री की जिंदा लाश उससे दिखती है। वो डर के चिल्लाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वो फोन करके विनोद को सब बताती है। विनोद शालिनी के घर आता है। जैसे ही शालिनी दरवाजा खोलने वाली होती है, ऑड्री उसे पकड़ लेती है। किसी तरह वो उसे बच के भागती है और विनोद के पास आती है। वो दोनों डॉक्टर जॉन की लैब में एंटीडोट को ढूंढने जाते हैं, जिसके बारे में विनोद ने जॉन की डायरी में पढ़ा था। उन्हें एंटीडोट मिल जाता है, लेकिन तभी ऑड्री शालिनी पर हमला कर देती है। विनोद उसे बचाता है तो ऑड्री विनोद को पकड़ लेती है। विनोद उसका सामना नहीं कर पाता। वो विनोद पर हमला करती है और विनोद बेहोश हो जाता है। फिर वो शालिनी के पीछे जाती है। जैसे ही वो शालिनी का गला घुटने वाली होती है, विनोद उसे इंजेक्शन लगा देता है और वो वापस लाश बन जाती है। वो लोग फिर उसे दफना देते हैं। यहां पांचवा एपिसोड और ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल लाइफ इज फिल्मी। हमारा चैनल लाइफ इज फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।